इधर तीसरी प्रखंड के लोकाय पंचायत में अब आवास के लाभुकों ने मुखिया अनीता हेब्रम और पंचायत सेवा का प्रभु हाजरा पर घूस लेकर लाभ देने का आरोप लगाया है और बीडीओ को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मुखिया और पंचायत सेवक द्वारा अब आवास का लाभ दिलाने के लिए 20,000 रुपए की मांग की गई है। लोकाय के उप मुखिया लाटू रविदास ने कहा है कि अब आवास जरूरतमंद और गरीब को ना देकर पैसे पर बिक रहा है। इधर समाज सेवी सासू नेता नारायण यादव ने कहा है कि लोकाय पंचायत के मुखिया अब आवास करने के एवज में पैसे का उगाही करते हैं और यह बहुत निंदनीय बात है। आइए संजय जवार सदस्य आ रहा है, आने दीजिए थोड़ा सा। चंदन इधर देखिए, आइए संजय जवार सदस्य। यहाँ के मियाँ से गले मुखिया जी भेजल थी कि जो हमें से ना हुआ तो जो तो तोरा दे दे, हमारे सब कुछ ढलैया के पैसा ना ढुकल है तो हमारे मांग गए कि 10,000 दे तो तोरा भी तुरंत पैसा ढुका दबो। खाना पर बैठा लिया तुरंत गल, हमने दोनों परिवार वाली हो जाए गलिए घर ऐसे पर। लोकाय पंचायत का ये अगुआ आवास में जो लूट की जो बात सामने आ रही है ये घोर निंदनीय है और गरीब लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पैसे लोगों को दिया जा रहा है। पंचायत के अंदर दलित आदिवासियों से अगुआ आवास के नाम पर मुखिया और पंचायत सेवक के द्वारा मनमानी तरीके से पैसा मांगा जा रहा है, लिया जा रहा है। लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी लोग के साथ